नमस्कार, मैं पल्लवी शर्मा। उम्मीद है आप सभी कुशल होंगे। हिमाचल साहित्य रविवार के आज के एपिसोड में आप सबका स्वागत है। इस एपिसोड में आपके लिए लेकर आए हैं कुछ चुनिंदा कविताएं और गजलें, जिन्हें सुनकर आपको खूब आनंद आएगा और इन रचनाओं में आपको दिखेंगी जीवन की कई धाराएं। ये रचनाएं हमारे दैनिक सांध्य टीवी शो हम पहाड़ी में पेश की गई हैं और अब आपकी मांग के अनुसार हम इन रचनाओं को एक एपिसोड के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं और कार्यक्रम की अंतिम पेशकश के रूप में एक रचनाकार की रचना खुद उनकी ही आवाज में प्रस्तुत की जाएगी। तो अब देर किस बात की, शुरू करते हैं आज का साहित्यिक सफर। इस कार्यक्रम की शुरुआत इन पंक्तियों के साथ करते हैं कि पतझड़ हुए बिना पेड़ों पर कभी नए पत्ते नहीं आते, कठिनाई और संघर्ष के बिना कभी अच्छे दिन नहीं आते। जर्रा जर्रा बिंदु बिंदु कहता है कायनात का, मेहनत करने वाले कभी किस्मत के भरोसे नहीं रहते। कि सोचना छोड़ दिया है, यूं ही मायूस होकर शून्य में झांकना छोड़ दिया है। ऐ जिंदगी, मैंने अब तेरे बारे में ज़्यादा सोचना छोड़ दिया है। मैं यह ना कर सका तो वह हो जाएगा, मैं यह ना कर सका तो वह हो जाएगा, यह पल ना संभाल पाया तो अगला खो जाएगा। मैंने तेरे इस चक्रव्यूह में फंसकर तिल मिलाना छोड़ दिया है। दिखाती है तू सदा जिन हसीन ख्वाबों के महल, दिखाती है तू सदा जिन हसीन ख्वाबों के महल, उनको टूटने से बचाने में बेवजह फिक्रमंद होना छोड़ दिया है। उनको टूटने से बचाने में बेवजह फिक्रमंद होना छोड़ दिया है। नचाती हो हमेशा तुम मुझे जिसकी तान पर, नचाती हो हमेशा तुम मुझे जिसकी तान पर, मैंने ऐ जिंदगी अब वह गीत गुनगुनाना छोड़ दिया है, मैंने अब वह जिंदगी वह गीत गुनगुनाना छोड़ दिया है। होगा तो वही जो तू चाहती है, होगा तो वही जो तू चाहती है, अपनी तो सोच कहाँ तेरे आगे सिरे चढ़ पाती है। होंगे जो किस्मत में पड़ेंगे ही थपेड़े, होंगे जो किस्मत में पड़ेंगे ही थपेड़े, निरर्थक ही वक्त को अपने अनुसार ढालना छोड़ दिया है। ऐ जिंदगी, मैंने अब तेरे लिए गंभीर होना छोड़ दिया है। जैसी हो तुम वैसी ही अच्छी हो तुमको लेकर, जैसी हो तुम वैसी ही अच्छी हो तुमको लेकर, अब ज़्यादा छटपटाना छोड़ दिया है, तुमको लेकर अब ज़्यादा छटपटाना मैंने छोड़ दिया है। ये प्रतिपाल की गजल थी जीवन जी, बहुत अपने दर्शकों के लिए लाए थे। निर्मल असल साहब धर्मशाला के साहित्यकार, उनकी एक गजल लेके आए हैं, खामोश सफर। सफर के हर मुकाम पे रही होगी कुछ अपने इरादों की आग सुलगती, क्या बात। सफर के हर मुकाम पे रही होगी कुछ अपने इरादों की आग सुलगती, पत्थरों से ठोकर खाकर भी जख्म हर बार खामोश सफर पे रहे, क्या बात। हम काबिल नहीं थे फिर भी, हम काबिल नहीं थे फिर भी, हर इम्तिहान को हमारा इंतजार रहा, क्या बात। हम काबिल नहीं थे फिर भी, हर इम्तिहान को हमारा इंतजार रहा। जेब में पर्चियां थी हजारों, जेब में पर्चियां थी हजारों, नतीजे हमेशा खामोश सफर पर रहे, क्या बात। नतीजे हमेशा खामोश खामोश सफर पर रहे, एहसास मोहब्बत में गुम रहे जिस किसी की गली में हम, एहसास मोहब्बत में गुम रहे जिस किसी की गली में हम, खबर देने वाले नावाकिफ बन हमारे साथ खामोश सफर पर रहे, क्या बात। आईने बनते गए हमारी राह में, आईने बनते गए हमारी राह में, गिरे हर कांच के मगर, आईने बनते गए हमारी राह में, गिरे हर कांच के मगर, वे घायल दिल से गुजर के भी हमेशा खामोश सफर पर रहे, क्या। आज भी हसरत वही है, आज भी हसरत वही है, हैसियत से कहीं उम्दा, क्या बात। आज भी हसरत वही है, हैसियत से कहीं उम्दा, टूटी तारीफों के पुल से भी हम खामोश सफर पर रहे, क्या बात। टूटी तारीफों के पुल से भी हम खामोश सफर पर रहे, भर लो अपने आंचल में, भर लो अपने आंचल में दस्तूर हमारा भी कहीं, क्या बात। कोई तो मंजर रहा होगा, कोई तो मंजर रहा होगा जहां हम खामोश सफर पे रहे, कोई तो मंजर रहा होगा जहां हम खामोश सफर पे रहे। निर्मल असो साहब की गजल, राजेश। बिल्कुल। फूलों से नित हंसना सीखो, भौरों से नित गाना, तरु की झुकी डालियों से नित सीखो शीश झुकाना, सीख हवा के झोंकों से लो हिलना जगत हिलाना, दूध और पानी से सीखो मिलना और मिलाना, सूरज की किरणों से सीखो जगना और जगाना, लता और पेड़ों से सीखो सबको गले लगाना। श्रीनाथ सिंह की ये पंक्तियां हैं अग्निहोत्री जी।
मोहसिन भोपाली साहब, क्या बात, इनकी एक गजल है, पाकिस्तानी है वैसे ये, काफी समय पहले इनका, हाँ हाँ बिल्कुल माइग्रेट हुए होंगे शायद, लेकिन उर्दू अदब में बहुत नाम है इनका। ये मेरे चारों तरफ किस लिए उजाला है, ये मेरे चारों तरफ किस लिए उजाला है, तेरा ख्याल है या दिन निकलने वाला है, क्या बात है, तेरा ख्याल है या दिन निकलने वाला है, यकीन मानो मैं कब का बिखर गया होता, तुम्हारी याद ने अब तक मुझे संभाला है, क्या बात, तुम्हारी याद ने अब तक मुझे संभाला है, हुजूम जश्न में करता है गम जदों को तलाश, हुजूम जश्न में करता है गम जदों को तलाश, मेरे जुनू ने अजब इम्तिहान में डाला है, क्या बात, मेरे जुनू ने अजब इम्तिहान में डाला है, किसी का नाम तो हम लेके शब में सोते हैं रात को, किसी का नाम तो हम लेके शब में सोते हैं, कोई तो है जो सहरदम जगाने वाला है, कोई तो है जो सहरदम जगाने वाला है, जमाना साज डरे गर्दिशे जमाना से, जमाना साज डरे गर्दिशे जमाना से, हमारा क्या है, हमारा क्या है, हमें हादसों ने पाला है, क्या बात, यही बहुत है कि नक्शे कदम से बच जाएं, यही बहुत है कि नक्शे कदम से बच जाएं, सुखन में रास्ता किसने नया निकाला है, क्या बात, सुखन में रास्ता किसने नया निकाला है, खुदा करे कि उसे इलम भी ना हो मोहसिन, खुदा करे कि उसे इलम भी ना हो मोहसिन, वो जिसके गिर्द मेरी चाहतों का हाला है, वो जिसके गिर्द मेरी चाहतों का हाला है। अपने दर्शकों के लिए कविता लेके आए हैं, प्रीतिपाल सिंह ने ये कविता लिखी है, बहुत गजब की कविता लिखी है कि अलसाई निद्रित उन्मिलित कलियों को तंद्रा छोड़ रही है, जिसके संग काटी सकल निशा सपनों के साथी छूट रहे हैं, ध्रुव दल पर ठिठके निहार कण किरणों से मिलकर चल देंगे, ध्रुव दल पर ठिठके निहार कण किरणों से मिलकर चल देंगे, सुकुमार दृगों में स्वप्न सजा फिर सांझ ढले वे लौटेंगे, सुकुमार दृगों में स्वप्न सजा फिर सांझ ढले वे लौटेंगे, शोणित उषा में प्रणयातुर प्राची से फूटी नवल किरण मलयज के रथ पर जो सजकर कुसुमों को ना दू रूठेंगे, ये राग में डूबे कोमल पल, ये राग में डूबे कोमल पल जो मौन रहूं तो छूटेंगे, ये पल्लव किसले नवे अंकुर जो छू ना लूं तो रूठेंगे, जो छू ना लूं तो रूठेंगे, अनछुए से ये कुछ रस्ते, अनछुए से ये कुछ रस्ते तुम तक ले जाने को आतुर, बिन सोचे इन पर चलना दूं तो भोर के प्रहरी रूठेंगे, तो भोर के प्रहरी रूठेंगे। प्रतिपाल सिंह ने भाषाई कौशल बहुत दिखाया जी, बिल्कुल बहुत जॉन एलिया साहब बड़े क्या आप पता है शायर है, उनकी हम अक्सर आपके पास गजलें लिखे थे, छोटी सी है राजेश जी, दिल जो है आग लगा दूं उसको, क्या बात, दिल जो है आग लगा दूं उसको और फिर खुद ही हवा दूं उसको, क्या बात, जो भी है उसको गंवा बैठा है, जो भी है उसको गंवा बैठा है, मैं भला कैसे गंवा दूं उसको, क्या बात, मैं भला कैसे गंवा दूं उसको, तुझ गुमा पर जो इमारत की थी, तुझ गुमा पर जो इमारत की थी, सोचता हूं कि मैं ढा दूं उसको, क्या बात, सोचता हूं कि मैं ढा दूं उसको, जिस्म में आग लगा दूं उसके, देखिए शब्द बड़े भयंकर जैसे हैं ऐसे, जिस्म में आग लगा दूं उसके और फिर खुद ही बुझा दूं उसको, क्या बात, हिजर की नजर तो देनी है उसे, हिजर की नजर तो देनी है उसे, सोचता हूं कि भुला दूं उसको, क्या बात, सोचता हूं कि भुला दूं उसको, जो नहीं है मेरे दिल की दुनिया, क्या बात, जो नहीं है मेरे दिल की दुनिया, क्यों ना मैं जॉन मिटा दूं उसको, क्या बात, क्यों ना मैं जॉन मिटा दूं उसको। दर्द दिल की दास्तां, दर्द दिल की दास्तां ना सुनाया करिए, दर्द दिल की दास्तां ना सुनाया करिए, अश्क तो मोती हैं इन्हें ऐसे ना बहाया करिए, मेरा तो काम है फूल बिछाते रहना, मेरा तो काम है फूल बिछाते रहना, आप हर सिमत चाहें कांटे ही बिछाया करिए, दिल खोल कर हर लम्हा मुस्कुराया करिए, दिल खोल कर हर लम्हा मुस्कुराया करिए, यूं जमाने की बात दिल से ना लगाया करिए, प्यार पूजा है रूह तक का असर है इसका, प्यार पूजा है रूह तक असर है इसका, दिल इतना भी तो अपना ना जलाया करिए, दिल इतना भी तो अपना ना जलाया करिए, दर्द की दरिया है अनिल बेशक दुनिया जी, दर्द की दरिया है अनिल बेशक दुनिया, रेत पर दर्द और अलम लिखकर मिटाया करिए,
रेत पर दर्द व अलम लिखकर मिटाया करिए। पंडित अनिल की यह गजल थी जीवन जी। अब वक्त है कार्यक्रम की अंतिम पेशकश का, तो सुनिए सोलन से राजन तनवर की कविता खुद उनकी आवाज में। कविता का शीर्षक है नीड का निर्माण ममत्व का प्रमाण। शरीर हुआ भारी तुम्हारा उड़ना हुआ दुष्कर, शरीर हुआ भारी तुम्हारा उड़ना हुआ दुष्कर, ऐसे में संग्रहित कर नीड निर्माण किया तुमने, उन आने वालों को शरण स्थली बना डाली। शरीर हुआ भारी तुम्हारा उड़ना हुआ दुष्कर, ऐसे में संग्रहित कर नीड निर्माण किया तुमने, उन आने वालों को शरण स्थली बना डाली। स्वयं तुम उड़ती रही इधर उधर विचरती रही, स्वयं तुम उड़ती रही इधर उधर विचरती रही, किंतु ममत्व का एहसास करवा डाला उनको, जिन्होंने प्रसवोपरांत ही तज डाली थी संताने अपने आश्रम अस्पताल और मंदिर के द्वार पर। किंतु ममत्व का एहसास करवा डाला उनको भी, जिन्होंने प्रसवोपरांत ही तज डाली थी संताने अपने आश्रम अस्पताल और मंदिर के द्वार पर। ममत्व की तुम में पराकाष्ठा है, ममत्व की तुम में पराकाष्ठा है, वासना की ही उनमें केवल लौ जली थी। ममत्व की तुम में पराकाष्ठा है, वासना की ही उनमें केवल लौ जली थी। बेनाम करके छोड़ आए थे जो अपने हृदय अंग को, बेनाम करके छोड़ आए थे जो अपने हृदय अंग को, लड़ने जीवन जंग को। बेनाम करके छोड़ आए थे जो अपने हृदय अंग को, लड़ने जीवन जंग को। मानव जाति है सर्वोपरि, मानव जाति है सर्वोपरि, किंतु कभी कभी करनी ये करती है आहभरी। मानव जाति है सर्वोपरि, किंतु कभी कभी करनी ये करती है आहभरी, जिसे देख सवालों की लगती झड़ी। मानव जाति है सर्वोपरि, किंतु कभी कभी करनी ये करती है आहभरी, जिसे देख सवालों की लगती झड़ी। आत्मग्लानी जब प्रस्फुटित होती, आत्मग्लानी जब प्रस्फुटित होती, शिकार होती तब अपनी नजर का ही। आत्मग्लानी जब प्रस्फुटित होती, शिकार होती तब अपनी नजर का ही। स्वयं को भी मुंह ना दिखा पाती, स्वयं को भी मुंह ना दिखा पाती। चिड़ियों के नीड निर्माण ने असंख्यों को सबक सिखाए हैं, चिड़ियों के नीड निर्माण ने असंख्यों को सबक सिखाए हैं, किंतु इन पढ़े लिखे ज्ञानियों ने आश्रम अस्पताल और मंदिर के द्वार खटकाए हैं। चिड़ियों के नीड निर्माण ने असंख्यों को सबक सिखाए हैं, किंतु इन पढ़े लिखे ज्ञानियों ने आश्रम अस्पताल और मंदिर के द्वार खटकाए हैं। धन्यवाद। अगर आप भी लिखते हैं तो उठाइए अपना फोन और बनाइए अपना एक अच्छा सा वीडियो और भेजिए अपनी स्वरचित कविताओं के वीडियोस दिव्य हिमाचल टीवी को। अगर आपकी रचना का चयन होता है तो सबसे पहले वो हम पहाड़ी और फिर इसी कार्यक्रम हिमाचल साहित्य रविवार में प्रसारित की जाएगी। कार्यक्रम के अंत में स्क्रीन पर एक व्हाट्सएप नंबर दर्शाया जाएगा, उस पर आप अपनी रचनाएं हमें भेज सकते हैं। अब वक्त है आपसे विदा लेने का, मिलेंगे आपसे अगले हफ्ते, तब तक अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए दिव्य हिमाचल टीवी। दिव्य हिमाचल समाचार पत्र में आज हमेशा की तरह साहित्य के लिए एक पूरा पृष्ठ प्रकाशित किया गया है। प्रतिबिंब के नाम से यह प्रस्तुति पृष्ठ नंबर 10 पर उपलब्ध है, इसे पढ़ना ना भूलें। और अगर आप भी लिखते हैं तो हमें अपने लेख जरूर भेजें।